victim asking for with regards to certainty. And they're saying if there is certainty of punishment, then that itself will have a deterrent effect. And another extremely important part is now it's not only apradh ko sirf dekhna nahi hai, apradhi ko bhi dekhna hai, apradhi ko bhi paristhiti dekhni hai. Aur hum kaun hote hai aur judge kaun hote hai, ye bolne ke liye ki yahan reformation possible nahi hai aur yahan rehabilitation possible nahi hai. Thank you. और अभी हमारी अंतिम स्पीकर जो ये सेशन के लिए है सोनी सॉरी तो प्लीज मैं इसको बोलती हूँ ये जो फांसी के जो मुद्दे हैं मतलब ये अच्छी मुद्दा है ये मुद्दा तो जेल से ही जुड़ा हुआ है जहाँ जेल में जो आज की स्थिति में जो इतना अत्याचार हो रहा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सरकार जिसे उतनी जिम्मेदार है जेलों में इतने ज़्यादा अत्याचार होता है वहाँ लोगों को तो एक उम्र कैद की जो 20 साल की सज़ा दिया जाता है उनके साथ इतने अत्याचार खाने में हर चीज़ में उसको काम किया जाता है आदमी तो उसी दिन मर जाता है फिर फांसी का एक क्यों आज तो फांसी एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया सरकार जो जेल के अंदर करती है उसको कोई नहीं देखता उसको समझना होगा मैं जब से जेल में हूँ तो कलकत्ता के जेल में भी मैंने जो दो दिन रहा वहाँ की स्थिति को भी मैंने देखा तिहाड़ जेल में 3 दिन रही और रायपुर जेल में 1 साल और जगदलपुर जेलों में तो जेल की स्थितियों को मैंने देखा है करीब से जाना है कि कितनी अत्याचार होती है तो वो बंदियों के बारे में भी सोचना है कि जो इस तरह से नहीं होना चाहिए जैसे कीड़े का खाना देना और वहाँ आधा खाना देना और उनको किसी भी तरह से कोई चीज़ों का उसका प्रावधान नहीं है ऐसे करने से वही तो सरकार के ही अंतर्गत आता है फिर ये फांसी क्यों फांसी दे के समाज का क्या सुधार होगा कैसे होगा ठीक है अपराध करता है तो उसके लिए सजा देने की भी एक तरीका होता है तो जब सरकार हम सब मिल के अगर एक सरकार बनाए तो फिर सरकार को इस तरह से करने का कैसे उसकी पर इतनी बड़ी होना चाहिए तो मैं इस बात को इसलिए मैं इसका विरोध करूंगी कि फांसी का मुद्दा मतलब अपने समाज के लिए समाधान नहीं आज मैंने कोर्ट में शुरू से ही अपनी सच्चाई को रखा है कोर्ट भी उतनी जिम्मेदार होती है जब मैं सकेत कोर्ट में मुझे जब दिल्ली से अरेस्ट किया गया था मैं सकेत कोर्ट की जज से कहा था कि मुझे मत भेजा जाए छत्तीसगढ़ इससे पहले मेरी अत्याचार हो चुकी है पुलिस वाले ने मुझे मारा है तो जज ने यही कहा कि नहीं हम अपनी सुरक्षा से भेज रहे हैं तुमको छत्तीसगढ़ तुम चले जाओ हमने बहुत गिड़गिड़ाया बहुत को किया फिर हम नहीं जाएंगे हम पिछला कुछ अपने जो अत्याचार हुए उन सब चीज़ों को दिखाया फिर भी जज ने नहीं माना तो मुझे लगा कि अब जज की बात मुझे मान लेनी चाहिए वापस छत्तीसगढ़ जाना चाहिए फिर छत्तीसगढ़ जाने के बाद क्या हुआ जो पुलिस कस्टडी में मुझे रखा वो पुलिस कस्टडी में रख के मुझे इस तरह से अत्याचार किया गया पुलिस वाले ने तो साफ बोल दिया हमने तो तुमको कोर्ट से लाए हैं मजिस्ट्रेट से मांग के लाए हैं मतलब मजिस्ट्रेट ने अनुमति दे दिया है कि उसको जो चाहे वो कर सकता है बताइए ये तो एक सरकार के ही व्यक्ति हुए ना सरकार ने जब इस तरह से करने का इतना बड़ा उनको कैसे ताकत मिली कहीं ना कहीं उनको इतना बोलने का कैसे हम क्या कर सकते थे हमने तो कुछ नहीं किया फिर भी हम जब कोर्ट में जाके बोलने की कोशिश किया कि आपने 3 दिन के रिमांड दिए हैं जैसा तो हमको इस तरह से क्यों हुआ हम तो इससे पहले ठीक थे फिर इसके बाद हम कैसे फिर भी हमको कोर्ट में भी पेश नहीं किया गया हम बहुत रिक्वेस्ट भी किए कि हमको कोर्ट में पेश किया जाए जबकि हमारे चारों तरफ पुलिस रही तो बोला नहीं तुमको जेल जाना है या हमारी कस्टडी में आना है तो हमने सोचा शायद थोड़ी बहुत हम बचे हैं और फिर से दोबारा अगर हम जेल जाने के लिए हम साइन नहीं करते हैं तो हमको मार देंगे तो हमने क्या किया साइन कर दिया उसके बाद वो मजिस्ट्रेट के पास पेश भी नहीं किया हमको जेल भेज दिया जब हमको 15-20 दिन के बाद फिर कोर्ट में पेश किए तो मजिस्ट्रेट पूछती है कि हमसे कि तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया तो हमने मैडम से यही बोला मैडम आपने बुलाया क्यों नहीं अपने नारे तो बोला पुलिस तो बोल दी बाथरूम से गिर गई है तो जब आप ये सूचना मिली थी तो आप बोल सकते थे कि उनको लाओ कितने 4 व्यक्ति उठा के लाने बोलते आपके न्यायालय में हम बता देते आपको क्या हमारे साथ किया तो उसने क्या बोलता देखते हैं मतलब हमारे साथ क्या पुलिस की इसको कोर्ट ने भी नहीं सुना ना ही उनको मतलब देखने की कोशिश भी नहीं ये कैसा कानून है ये कैसा इंसाफ है अब हम जब हर चीज़ की सच बता रहे उसके बाद भी हमको जेल में डाल दिया गया जेल में हमने 2-2.5 साल से हमने जो जेला है फिर वहाँ पर इतनी अत्याचार कपड़ों को जलाना पानी पीने के बॉटल को जलाना भेदभाव करना ऐसे महिलाओं को इतनी मारपीट के गुनाहखानों में डालना सेल में बंद करना इस तरह कई अत्याचार वहाँ होते रहता है इसको कोई आज तक इस
नीचे आवाज नहीं होता, सरकार ऐसा करती है तो इसके लिए भी बोलना चाहिए। और इसमें इतना ज्यादा मतलब लोगों के साथ अत्याचार, ठीक है उसने अपराध किया है या नहीं किया, तो उसको अपराध करने के लिए तुम और उसको ज्यादा ही दिया जा रहा है, इस तरह से अत्याचार से क्या होगा? उसे तो और मतलब अपराध करने वाला व्यक्ति के अंदर में तो और एक क्या कहना चाहिए, मतलब उसे बदले की भावना बढ़ रही है। ये बदले की भावना किसने जगा रहा, क्यों जगा रहे, ये इसमें इस मुद्दे पर भी जाना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने मतलब वहाँ रहते मैं बहुत अकेलापन पड़ गए थे, वहाँ बाकी सभी लोग को डरा हुआ था। मैंने वहाँ भूख हड़ताल रखे, भूख हड़ताल में जब मैं भूख हड़ताल में रही तो वहाँ कहती है कि तुम भूख हड़ताल नहीं कर सकते। मैंने बोला क्यों, आप जो अत्याचार कर रहे हो ठीक है, तो बोलते हैं कि नहीं ये आत्महत्या है। मैं बोले ये भी तो ये आत्महत्या, इस पर तुमको दारा लग जाएगा, तुम भूख हड़ताल इस तरह कर, आपने जब अत्याचार कर रहे हो, आपको खाने पीने नहीं दे रहे, हमारे कपड़े जला रहे हो, हमारे पानी बॉटल छीन रहे, सब कुछ कर रहे हैं, इसके लिए तो ये बताइए कि ऐसा भी तो होगा मैडम कि आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे हो और आपने इतना मजबूर कर दी, इसके ऊपर तो दारा होगा ना? तो बोलती है ऐसा कोई दारा नहीं, क्यों नहीं है, वो दारा भी आपके ऊपर लग सकता है कि आपने मुझे ऐसा परेशान करके रखा। तो इस तरह से जेलों में भी कई तरीके से ऐसा होता है। तो इसलिए मतलब मेरा इतने कह के आगे